गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियोस वी डू आवर चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ गोइंग डाउनहिल ऑन ए बाईसाइकिल। बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि एक पोइम था और हमने पढ़ा था गोइंग डाउनहिल ऑन ए बाईसाइकिल। यहाँ एक बच्चे की पोइम थी और यहाँ ये बच्चा अपनी साइकिल से, अपने माइंड से सतर्क होकर, हीडफुल माइंड से डाउन हिल की तरफ जा रहा था और एक बर्ड के साथ में अपना कंपेरिजन कर रहा था। ये सब हमने इस पोइम में पढ़ा था। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज फर्स्ट, टिक राइट मार्क द करेक्ट आंसर। हमें जो सही आंसर होगा उस पर राइट का मार्क करना है। देखिए बच्चों, यहाँ हम तीन ऑप्शंस दिए गए, उन तीन ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन होगा उसको हमें चूज करना है। व्हाट डिड द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ टू। बच्चों, इसमें पूछा है कि पोइट ने अपने आप को किसके साथ में कंपेयर किया है, बी बटरफ्लाई या बर्ड। तो बच्चों, हमने पढ़ा था ये किसके साथ में कंपेयर किया, इसने अपने आप को बर्ड के साथ में कंपेयर किया है। सेकेंड है, हाउ डज द पोइट फील। पोइट को कैसा महसूस हो रहा था, अफ्रेड, एक्साइटेड या सैड। तो पोइट को अफ्रेड का मीन डरा हुआ, एक्साइटेड का मीन उत्साहित, सैड का मीन उदास। तो यहाँ हम करेंगे एक्साइटेड। नेक्स्ट है, एज ही राइड्स डाउन हिल, जैसे वो नीचे जा रहा था, हिज माइंड इज अलर्ट, उसका दिमाग सतर्क था, हिज हार्ट इज हैप्पी, उसका दिल खुश था, देयर इज ए क्राई इन हिज थ्रोट, या उसके गले से चिल्लाहट की आवाज़ आ रही थी। तो इसका सही आंसर है सी, यानी देयर इज ए क्राई इन हिज थ्रोट। आगे है, द राइडर एंड द बर्ड शेयर, राइडर यानी पोइट और उस बर्ड ने साथ में क्या शेयर किया था, द बर्ड्स फिदरी लाइफ, बर्ड के पंखों वाले जीवन, या फिर स्पीड, गति, गोल्डन मोमेंट इन द एयर, या हवा में बिताए गए सुनहरे पल। तो यहाँ क्या करेंगे हम, गोल्डन मोमेंट इन द एयर। सेकेंड है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बच्चों, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, किसकी हेल्प से, हमारी पोइम में जो वर्ड आए हैं उन वर्ड से हमें इनको कंप्लीट करना। तो फर्स्ट देखिए, द पोइट डिस्क्राइब्स हाउ ही स्टैंड रेडी एट द टॉप ऑफ हिल, हिज डैश फिट लिफ्टेड एंड डैश स्टडी। यानी पोइट ने बताया है कि जब वह हिल के टॉप पे तैयार था जाने के लिए नीचे की तरफ, डाउन हिल की तरफ, तो उसकी सिचुएशन क्या थी, उसके पैर क्या थे, लिफ्टेड यानी F-E-E-T फिट लिफ्टेड थे, ऊपर उठे थे, स्टडी यानी हाथ भी स्टडी का मीन होता है ठीक वैसे ही, जैसे लिफ्टेड फीट थे ठीक वैसे उसके हाथ भी ऊपर उठे हुए थे। तो हम करेंगे हैंड्स। आगे हैं, एज द बाईसाइकिल पिक्स अप स्पीड इट सीम्स टू द पॉइंट दैट इज एक्चुअली हिटफुल माइंड। जब बाईसाइकिल से पॉइंट अपनी सवारी कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जब वो स्पीड उस बाईसाइकिल ने साइकिल ने पकड़ ली थी या स्पीड में आ गई थी, तब पॉइंट कैसा लग रहा था, पॉइंट का माइंड जो था वो हिटफुल था, हिटफुल मीन सतर्क था। आगे देखिए, when he cycled downhill very swiftly the air passed by as more swift। तो बच्चों, मैंने यहाँ किया more swift, जब वह downhill की तरफ जा रहा था तो हवा जो थी वो और तेजी से उसकी तरफ छूके बह रही थी। आगे हैं, the poet wished to compare with the dash in the sky। पोइट ने अपने आप को किसके साथ में कम्पीट किया है, किसके साथ में अपनी प्रतिस्पर्धा करी है, इसने बर्ड के साथ में। उसने कहा था कि मैं देखो बर्ड तुम्हारे जैसे, मेरे ऐसे लग रहा है जैसे पंख लगे हुए हैं और मैं पंखों के साथ में उड़ रहा हूँ। तो बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज ए और बी। आज आपको एज ए होमवर्क एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी आपकी होमवर्क नोटबुक में करनी है, और कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज सी और डी। तो आज आपका होमवर्क ए और बी रहेगा। सो हैव अ नाइस डे।